इस दुनिया में अजनबी रहना ही ठीक है। अरे इस दुनिया में अजनबी रहना ही ठीक है, बहुत तकलीफ़ देते हैं लोग अपना बनाकर। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी, आप सबका दीपक जी एस अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की लगातार श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, वहाँ पर अब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देखें। ठीक उसी प्रकार से हम लोग झारखंड सीरीज की श्रृंखला को भी लेकर चल रहे हैं और लगातार अभी झारखंड की ही क्लासेस जाएंगी, क्योंकि झारखंड का क्लास करवाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि झारखंड के क्लासेस आपके जो कैलेंडर जारी किए गए हैं, झारखंड क्लास के कैलेंडर जारी किए गए हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड क्लास का कैलेंडर जारी किया गया है। दोस्तों, तो झारखंड क्लास के कैलेंडर में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं का जो है वो दिया गया है आपको, कि किस डेट में एग्ज़ाम होगा और लगभग कब तक इसका जो है वो रिजल्ट आएगा आपका, है ना। तो झारखंड के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे जैसे सीजीएल को ध्यान में रखते हुए, एक बेहतरीन तरीका से हम लोग झारखंड के संपूर्ण क्लासेस को जो जेपीएससी स्तर तक के लिए काम है, कामगर है, उसको हम लोग करवा रहे हैं। और आप ध्यान से देखें, छोटा छोटा वीडियो होता है ना, संपूर्ण वीडियो एक चैप्टर का होता है एक दिन का, तो आप उसको ध्यान से देखें और अपना नोट्स बनाएं और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दें। आइए आज हम चलते हैं झारखंड के एक नए टॉपिक की तरफ, और उस झारखंड के टॉपिक का नाम है, बेसिकली दो टॉपिक है यहाँ पर, जहाँ से दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन आपके बराबर पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है, है ना। झारखंड के महत्वपूर्ण गर्म जल कुंडों के बारे में और झारखंड में स्थित प्रमुख झीलों के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो हम लोग आज पढ़ेंगे, झारखंड के प्रमुख गर्म जल कुंड और झारखंड के प्रमुख झीलों के बारे में। आइए चर्चा करते हैं हम दोस्तों कि झारखंड के गर्म जल कुंडों के बारे में। बेसिकली ये स्टैटिक जीके ही है, आप स्क्रीनशॉट लास्ट में लीजिएगा, लेकिन पूरा तरह से इसे सुने ताकि आपको याद हो, ठीक है। लिखा हुआ तो आप दो चार किताब पढ़िएगा, जिस प्रकार से हम लोगों ने किताब से या तो फिर नोट्स से हर जगह से निकाल के इन चीज़ों को लिखा है, आप उस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन सुन के आपको ज़्यादा याद होगा, क्योंकि भोजपुरी गाना सुनने से ना याद होता है ना, किस प्रकार से हम लोग तुरंत एकदम लगा के फेयर लवली तुरंत याद हो जाता है, फेयर लवली से लेकर पाउडर क्रीम तक याद कर लेते हैं हम लोग भोजपुरी गाने में जो जो दिया रहता है। ठीक उसी प्रकार से सुन के ज़्यादा याद होता है, सुनिएगा ढंग से और आपको याद रहेगा, है ना। तो बात करते हैं गर्म जल कुंडों का। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से बेसिकली क्या पूछा जाएगा कि गर्म जल कुंड कुछ तो नदियों पर स्थित हैं, कुछ नदियों के किनारे स्थित हैं, तो बेसिकली गर्म जल कुंड से संबंधित नदियों को बड़ा कम ही पूछा जाता है। आपसे स्थान पूछा जाएगा और अगर कुछ उसकी विशेषता है तो उन विशेषताओं को आपसे पूछा जाएगा। आइए जानते हैं, जैसे सूरज कुंड की बात करें, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये गर्म जल कुंडों में, आपको ध्यान में रखना। सूरज कुंड हजारीबाग में है और ये भारत ही नहीं दोस्तों, लगभग एशिया का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। इसका जो सेल्सियस है तापमान है 88 डिग्री सेल्सियस, कभी कभी फॉरेनहाइट में भी पूछ देता है, तो 190 फॉरेनहाइट आपको याद रखना है, 88 डिग्री सेल्सियस। आदमी पोटली में बांध के चावल डालता है, भात बांध के निकालता है, और वही पोटलिया में टमाटर भी डाल दिया और उसको पका के निकाला और उसके बाद चटनी भात खा लेता है, है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि एशिया का सबसे गर्म जल कुंड हमारे हजारीबाग के बरकट्ठा में स्थित, बेसिकली बरकट्ठा में स्थित 88 डिग्री सेल्सियस 190 डिग्री फॉरेनहाइट का ये गर्म जल कुंड है सूरज कुंड। टाइगर प्रपात आप देखिएगा, टाइगर प्रपात जो है वो गर्म पानी का जल कुंड है, बराकर नदी पर स्थित है हजारीबाग में ही। हरहद प्रपात एक तरह से हजारीबाग में है, बराकर आपका बराकर नदी पर ही स्थित है। कावा हजारीबाग में है। रानी बहल जल प्रपात, बेसिकली जो जल प्रपात नहीं, गलती से जल प्रपात बोल दे रहे हैं हम, रानी बहल गर्म जल कुंड जो है वो बेसिकली आपके दुमका जिला में है, मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है। अच्छा देखिए इसके गर्म होने का कारण क्या होता है, जो गर्म जल कुंड होते हैं उनके गर्म होने का कारण कभी आपसे पूछे तो इनमें सल्फर की मात्रा पाई जाती है, और चूंकि सल्फर की मात्रा पाई जाती है इसलिए ये गर्म होते हैं। और इसका बड़ा औषधीय गुण भी होता है कि यदि इन गर्म जल कुंडों में आप स्नान करेंगे तो लगभग जो भी फोड़ा फुंसी हुआ आपका, या तो फिर चर्म रोग टाइप का जो भी चीज़ होता है आपको, जैसे खुजली हो गया या तो काच लगना हो गया इत्यादि, ये ठीक हो जाते हैं, है ना, ऐसा मान्यता है, ध्यान दीजिएगा आप, है ना। तो रानी बहल कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, मयूराक्षी नदी के तट पर दुमका में झुमका जल पर झुमका गर्म जल कुंड दुमका में, झुमका दुमका में,
है ना। जैसे आप लोग याद करते होंगे ना कि झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, ये बेसिकली उस समय गाना निकाला गया था कि बरेली से इंदिरा गांधी खड़ा हुई थी और इंदिरा गांधी को हरा दिया गया था, इसीलिए गाना निकला झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो आपको यहाँ पर उस बरेली को नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है कि दुमका में झुमका गर्म जल कुंड है, यानी झुमका गिरा रे दुमका के बाजार में, है ना। याद रखना है आपको दुमका में रानी बहल के पास मोर नदी पर स्थित है ये, ठीक है। तापत पानी जलप्रपात दुमका में ही है, कुमराबाद में मोर या मयूराक्षी नदी के तट पर है ये। झरिया पानी गर्म जल कुंड दुमका में गोपी कांदर के पास स्थित है दोस्तों। ततलोई जलकुंड दुमका में ही है, पलासी के पास भुरभुरी नदी में स्थित है। बारा झरना दुमका में बारा गांव में स्थित है। नुनबिल बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको कीजिएगा। नुनबिल जो एक प्रकार से गर्म जलकुंड है, वो कई बार पूछे गए हैं कि नुनबिल है कहाँ, तो दुमका में ही है, केनालगुटा के पास है, गाँव का नाम है केनालगुटा, वहीं पर नुनबिल गर्म जलकुंड स्थित है आपका। तेतुलिया कई बार पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तेतुलिया धनबाद में स्थित है, दामोदर नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। गर्म जलकुंड बेसिकली गर्म पानी का जलकुंड है। और देखिए सुसुम पानी, आप ऐसे भी जानते होंगे खोरठा में सुसुम का मतलब गुनगुना पानी होता है, तो सुसुम पानी जो गर्म जलकुंड है वो धनबाद में स्थित है, बाघमारा प्रखंड में मोर नदी पर स्थित है, ठीक है। ताता पानी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ताता पानी कहाँ स्थित है गर्म जलकुंड, तो लातेहार में स्थित है, बरवाडी प्रखंड में स्थित है। बरवाडी बड़ा फेमस प्रखंड रहा है, आपको यहाँ पर ध्यान देते चलना है। बलबल दुआरी बेसिकली दुआरी लिखा हुआ है लेकिन बलबल दुआरी, ये जब आप चतरा से हजारीबाग के मार्ग में जाइएगा तो माँ सिंहवाहिनी का मंदिर है एक तरह से, और माँ सिंहवाहिनी के मंदिर के समीप ही बहुत बड़ा मंदिर है, वो मान्यता बहुत है, मकर संक्रांति के समय में शायद वहाँ पर मेला भी लगता है, ठीक है। तो वहाँ पर गर्म जलकुंड है और बहुत ज़्यादा गर्म इसका भी पानी होता है, हमको सौभाग्य हुआ नहाने का वहाँ, इस पानी का अनुभव लेने का, बड़ा बढ़िया पानी होता है वहाँ पर दोस्तों, आप देखिएगा इस बात को। तो दुआरी का अगर बात करें तो ये चतरा में है, बलबल दुआरी है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद बात करें कि शिवपुर तोता गर्म जलकुंड पाकुड़ में है, पाकुड़ आप जान रहे हैं कि ऊपर के साइड में उत्तर पूर्वी इलाके में है झारखंड का, ठीक है। उसके बाद बारामसिया पाकुड़ में है, महेशपुर प्रखंड में स्थित है ये, ठीक है। लाडला उदयी गर्म जलकुंड कहाँ है, ये भी पाकुड़ में है, बोरू नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। आइए अब हम कुछ तालाबों के बारे में चर्चा करते हैं और कुछ झीलों के बारे में चर्चा करते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली तालाब से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन कंपटीशन टफ हो रहा है, क्या पूछे इसका आपको ना अंदाजा है, ठीक है। अगर अनुभव से आदमी बताए भी तो नया क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ दीजिएगा, तो खैर इससे बेहतर होगा कि अगर छोटे छोटे चैप्टर है तो आप सभी चीज़ को याद कर लें। आइए जानते हैं हम लोग झील से ही क्वेश्चन पूछते हैं बेसिकली, लेकिन रांची तालाब अवस्थिति इसकी रांची में है, रांची शहर में ही है। बेसिकली ये स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के लिए फेमस है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के लिए फेमस है ना। इस रांची तालाब के बीचे भी स्वामी विवेकानंद का प्रतिमा है जिसके लिए फेमस है, और लोग फिल्म वगैरह का भी शूटिंग वगैरह होता है वहाँ, ठीक है। कांके बांध आप जान रहे हैं जहाँ पागल लोग का इलाज होता है, कांके फेमस है रांची का कांके, ठीक है। तो कांके बांध जो स्थित है वो बेसिकली यहीं पर है, एक तरह से झील का निर्माण कर देते हैं, प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। धुरवा बांध रांची धुरवा में है ना। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके लिए इसको लिखा गया या तो फिर इसको पढ़ाने का मैंने सोचा, वो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं आपको। जैसे डिमना झील कहाँ स्थित है, जमशेदपुर में, दालमा वन्य जीव अभयारण्य है ना, दालमा श्रेणी के बारे में हमने चर्चा किया था कि चाईबासा के लगभग उत्तर पूर्वी इलाके में दालमा की श्रेणी है, हमने चर्चा किया था इस बात पर, ठीक है। तो आइए आगे हम जानते हैं दालमा वन्य जीव अभयारण्य, आगे जब हम पढ़ेंगे तो वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में भी चर्चा करेंगे, अभी उसको नहीं पढ़ाया गया है, आगे पढ़ाया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आपके एग्ज़ाम होने तक तक लगभग सारे प्रकार के झारखंड के क्लासेस आपको दे दिए जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर संपूर्ण पढ़ा दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाए प्लेलिस्ट का लिंक है, आप लिंक में क्लिक करके संपूर्ण पढ़ सकते हैं। आइए उसके बाद जयंती सरोवर जमशेदपुर में, जमशेदपुर शहर के बीच है ये। हुडको झील कई बार, हुडको बहुत इंपॉर्टेंट, हुडको झील, ठीक है, हुडको झील ये टेल्को कॉलोनी के बीच जमशेदपुर में स्थित है। हजारीबाग झील हजारीबाग में, देखिए बेसिकली इसके निर्माण को लेकर के पद्धति है, निर्माण से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका निर्माण 1831 में करवाया गया, और बेसिकली
झील का निर्माण नहीं करवाया गया था, बेसिकली जेल का निर्माण करवाया गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जेल आज नाम है वहाँ, ठीक है। लालू यादव से लेकर के जोगेंद्र साव तक, जो हमारे बड़का गांव के विधायक रहे या तो फिर कृषि मंत्री भी रहे झारखंड सरकार में, वो तक जेल में वहाँ रहे हैं हजारीबाग में, है ना। लालू प्रसाद यादव, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वहीं पर ही भागे थे। धोती का सहारा से भाग गए, तो बताइए 10 फीट से ऊंचा दीवाल है और धोती का सहारा से भाग गए, धोती फंसाए लपेट दी, समझ में आया, है ना। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर जानने का चीज़ है कि 1831 में बेसिकली जो जेल बनाने के लिए मट्टी की आवश्यकता हुई, मिट्टी की, वो मिट्टी को कोड़ा गया उस जेल के बगल वाले हिस्से से, और मिट्टी इतना कोड़ा गया और जेल में लगाया गया कि ये गड्ढानुमा संरचना बन गया। तो जब उसमें पानी जमा हुई तो एक झील का आकार ले लिया, और चूंकि बड़ा मनोरम था, ठीक है, इसलिए धीरे 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 वहाँ पर पर्यटन स्थापित हो गए, झील बन गए, दो चार तीन चार एकदम सही तीन चार गो झील है वहाँ पर। इम्पोर्टेंट तरीका से वहाँ घूमते भी लोग हैं दोस्तों। और क्यों ऐसा हम बता रहे हैं, क्योंकि इसके अवशेष जो हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मिट्टी जो है वो मिट्टी मिलती है झील के मिट्टी से, इसलिए यहाँ से मिट्टी कोड़ करके और जेल का निर्माण करवाया गया था और झील का निर्माण हो गया 1831 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा हजारीबाग झील का निर्माण करवाया गया। बेसिकली महात्मा गांधी की प्रतिमा के लिए भी ये फेमस है, लेकिन अफसोस हमारे समाज के उपद्रवी तत्व महात्मा गांधी तक को नहीं छोड़ा उन्होंने, है ना, महात्मा गांधी की प्रतिमा को क्षति पहुँचाते हैं, है ना। और ये सब जो आज के जो राधा कृष्ण है हमारे, है ना, जो जुगल जोड़े होते हैं उजा करके, और कहीं नाम नहीं लिखेगा, वहीं पर ही नाम लिखेगा कि लीजिए हम गांधी जी को साक्षी मान के यहाँ नाम लिख देते हैं, है ना, बबीता संग सुरेश, इस तरह से वहीं लिखेगा, और कहीं नहीं लिखेगा, महात्मा गांधी के चश्मा में ला के लिख दिया है। बताइए महात्मा गांधी का पूरा शरीर बस इन जुगल जोड़े से भरा हुआ है, बबीता संग सुरेश और रमेश संग सविता से भरा हुआ है, है ना। खैर ये उपद्रवी तत्व है, प्रशासन को इस पर अपना एक्शन लेना चाहिए, सार्वजनिक चीज़ है, उसे क्षति ना पहुँचाएं, हम लोगों को भी समझना चाहिए इस बात को, है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तोपचांची झील, तोपचांची अभयारण्य के पास है ये दोस्तों, धनबाद में, लगभग 214 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है तोपचांची झील, सोच लीजिए, है ना। गरगा बांध बोकारो में, गरगा बांध के फलस्वरूप झील का निर्माण हो गया, ठीक है। तो ये बोकारो शहर से 12 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। इसके अलावा पतरातू डैम है, तो पतरातू डैम के फलस्वरूप जहाँ जहाँ कृत्रिम डैम बनाए गए वहाँ वहाँ झील का निर्माण हो गया, और एक प्रकार से यह क्वेश्चन पूछा जाता है। पतरातू रामगढ़ में है बेसिकली, आप जाइएगा तो जलेबिया घाटी स्टार्ट जहाँ से होती है रांची की, जो बड़ा मनोरम दृश्य है, तो जलेबिया घाटी जहाँ से स्टार्ट होती है तो पतरातू डैम से ही स्टार्ट होती है ना। मेरा जीवन वहाँ बीता बहुत अच्छे तरीका से, तो खैर इसके बारे में विशेष चर्चा हम लोग करेंगे कभी, ठीक है, पर्यटन स्थलों के बारे में जब चर्चा करेंगे तो, ठीक है। आशा करते हैं कि दोस्तों आपको ये आज का क्लास बहुत बेहतर लगा होगा, अगर बेहतर लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने भाई को समर्थन करें, है ना। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा दोस्तों। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।